हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी एयरफोर्स डे टू ऑल। आज 8 अक्टूबर 2022 है और आज के दिन ही 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है और आज यहाँ पर एयर शो ऑर्गेनाइज होगा जिसका टाइमिंग 2:30 बजे रखा गया है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में आज लेक पर विजिटर्स आए हैं और यहाँ पर एंट्री केवल पास के माध्यम से ही दी जा रही है, फिर भी लगभग हज़ारों की संख्या में, लगभग 1 लाख के आसपास लोग यहाँ पर आ गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आज का दिन होने वाला है। अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है और आधे घंटे बाद एयर शो शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है वो बहुत उच्चतम दर्जे का किया गया है और बिना पास की स्कैनिंग के यहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर के थ्रू सभी को स्कैन करके यहाँ पर भेजा जा रहा है, तो कुल मिलाकर सिक्योरिटी का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और ये सब चीज़ें ही किसी भी आयोजन को सेफ एंड सिक्योर बनाती हैं। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने सच में बहुत ही पैसा खर्च करके लोगों की सुविधा के लिए अच्छे से यहाँ पर सब कुछ अरेंज किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एयरफोर्स डे का एयर शो कवर करते हैं और आपको एक एक चीज़ यहाँ की दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आप नज़र मारेंगे वहाँ वहाँ आपको लोग लोग दिखाई देंगे। बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उतरे हुए हैं और एयरफोर्स डे के उपलक्ष्य में एयर शो देखने के लिए बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये भी बहुत बड़ी लक की बात है कि चंडीगढ़ में इस तरह का शो ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। इससे पहले एयर शो हिंडन गाजियाबाद में ऑर्गेनाइज़ होता था, पहली बार चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज़ हो रहा है जो कि बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, एयर शो कवर करते हैं और आपको डिटेल में एयर शो दिखाते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं ये AN-32 जहाज है जो 8000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और पैरा जंपर ने जंप लगा दिया है और 8000 फुट की ऊंचाई से अब पैरा जंपर यहाँ पे हमें कूदते हुए दिख रहे हैं। ये आप पैरासूट में पैरा जंपरों को लटके हुए देख सकते हैं। ये सारे के सारे अब नीचे लेक के मेन एंट्री के पास लैंड करेंगे। ये आप वन बाय वन देख सकते हैं लैंडिंग हो रही है। दोस्तों मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय बाद ये नीचे आ रहे थे, इसलिए अगर जो मैं पूरा दिखाता तो कम से कम आधा घंटा लग जाता, इसलिए आपको सीधी लैंडिंग दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से सारे के सारे पैरा जंपरों ने 8000 फीट की ऊँचाई से कूद कर नीचे सीधी लैंडिंग कर ली है, तो बहुत ही मनोरम दृश्य था और देख के बहुत ही ज़्यादा आनंद आया इस दृश्य को। और सच में यहाँ पे आना बिल्कुल वर्थी साबित हुआ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको केवल यहीं दिख सकती है। ये आप देख सकते हैं वायुसेना का हेलीकॉप्टर नीचे फायर बकेट लेके आ रहा है। ये बहुत बड़ी फायर बकेट होती है जो हजारों लीटर पानी एक साथ लेकर जंगल की किसी बिल्डिंग की आग बुझा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं अब इस हेलीकॉप्टर के द्वारा ये जो बहुत बड़ी बकेट इसमें लटक रही है, इस बकेट में हेलीकॉप्टर के जरिए लेक से पानी भरा जाएगा और फिर एक सर्टन प्लेस पे इस पानी को ड्रॉप कर दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर इस बकेट को लेकर लेक के अंदर जा रहा है, इस बकेट को लेक के अंदर डालेगा और उसके बाद पानी भरेगा। ये आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर ने बकेट को लेक से पानी में डाल दिया है और अब ये बकेट को लेके उड़ गया है। ये आप देखिए हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और इसके बाद ये एक सर्टेन प्लेस पे ले जाकर इस पानी को ड्रॉप कर देगा। ये लेक पर से ये उड़ रहा है, उड़ते 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 यहाँ आप देख सकते हैं अब वो मोमेंट आ गया है जब ये इस पानी को ड्रॉप कर देगा। ये 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 अभी तक नहीं किया है, देखते हैं कब करता है। और सभी लोग इस नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी धारा के साथ इस बड़ी बकेट से पानी निकल गया है, तो इस हेलीकॉप्टर का यही काम होता है। अब आप देख सकते हैं अन्य हेलीकॉप्टर राउंड मार के यहाँ से गया है और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिला क्योंकि बहुत ही नज़दीक से ये हेलीकॉप्टर गुजरा है और सभी लोग एयरफोर्स डे के यहाँ पर बहुत अच्छे से मज़े ले रहे हैं। अब आ गया है एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर।
ये दो पंखड़े वाला हेलीकॉप्टर है और अब ये भी हमारे सामने करतब दिखाने के लिए आ गया है, बल्कि एक साथ दो हेलीकॉप्टर आ गए हैं और ये लेक में नीचे की तरफ जा रहे हैं और आप एक साथ दोनों चिनुक हेलीकॉप्टर्स को देख सकते हैं। ये धीरे धीरे अपनी लेक से हाइट कम करते जा रहे हैं और अब ये एक सर्टन पोजीशन पर रुककर अपना बैलेंस बना रहे हैं और नीचे आप देख सकते हैं लेक का पानी हवा के प्रेशर से किस तरह उड़ रहा है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा हम सभी लोगों के ऊपर आ रही है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा रोमांचित कर रही है। तो इस तरह एयरफोर्स बहुत ही अच्छे से एयरफोर्स डे बना रही है और आज पूरा का पूरा चंडीगढ़ नहीं बल्कि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी लोग एयरफोर्स डे का आनंद ले रहे हैं और ये वो पल है जिसको देखने के बाद हम सबको अपने देश की सेना के प्रति जो सम्मान है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार सैनिक हर दिन अपने काफिलों को मजबूत करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। और आज इन सब कर्तव्यों को देखकर हम खुद भारतीय वायुसेना की शक्ति का लय प्रदर्शन देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से चिनुक हेलीकॉप्टर का बैलेंस बनाया गया है और अब धीरे धीरे चिनुक हेलीकॉप्टर हमारे से दूर जा रहे हैं। शायद इनका जो शो था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए चिनुक हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हो गए हैं। पहले तो ये चिनुक हेलीकॉप्टर चल गया है, आप एक साथ देख सकते हैं थोड़ी देर बाद अचानक से दोनों हेलीकॉप्टर हमारे सामने आ गए हैं और अब ये दोबारा से एक वन बाय वन यहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नज़ारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं यह हमारे मन को, हमारी आँखों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दृश्य प्रस्तुत हो रहा है और हम बहुत ही ज़्यादा एयरफोर्स डे के मज़े ले रहे हैं। तो सच में अपने आप में ये बहुत ही ज़बरदस्त पल है जब सभी लोग इस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट इतने बड़े शो का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी विशाल संख्या में लोग अब लेक पर इकट्ठा हो चुके हैं और सभी लोग एयरफोर्स डे का आनंद यहाँ पर लाइव ले रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा शांति के साथ एयरफोर्स डे का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और एयर शो के हम सब मज़े ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं सामने से तीन तीन हेलीकॉप्टरों का काफिला हमारे सामने आ रहा है और इन हेलीकॉप्टर्स में भारतीय फ्लैग और भारतीय वायुसेना का फ्लैग लटका हुआ है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को सलामी दे रहे हैं, भारतीय झंडे को सलामी दे रहे हैं और एयरफोर्स के झंडे को सलामी दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और लेक से इन सब नज़ारों को देखने का एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि नीचे शीतल जल है, सामने हिमालय की चोटियां हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हमें एक प्राकृतिक नज़ारे के साथ एयरफोर्स शो का आनंद लेने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रस्तुति एयरफोर्स की तरफ से। ये वो पल है जब लोग थकना भूल चुके हैं और केवल सभी की आंखों को बेसब्री से एयरफोर्स के जहाज़ों का, लड़ाकू विमानों का, ट्रांसपोर्ट विमानों का इंतज़ार है और जैसे ही कोई भी जहाज यहाँ पर लोगों को दिखता है वो सारे के सारे लोग रोमांचित हो उठते हैं। अब आप देख सकते हैं सामने से आता हुआ फाइटर जहाज, ये तेजस जहाज लग रहा है, तेजस ही है और इस लड़ाकू विमान का
जो निर्माण है वो भारत ने अपने दम पर किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आज हम लोग भी फाइटर प्लेन बनाने में सक्षम हो पाए हैं। यहाँ देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से ये लड़ाकू विमान उड़ रहा है और हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करती हुई इसकी आवाज़। दोस्तों अब एक से बढ़कर एक जहाज हमारे सामने आ रहा है, इसलिए अब हम अपनी आवाज़ बंद करते हैं और अब आप सुनेंगे एयरफोर्स के जहाज़ों की आवाज़। அப்படியே பிரிஞ்சு போனா வேற போயிட்டு
बना दिए इन्होंने बोली।
जहाज देखो यार, ये देखो।
दोस्तों आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं सारंग हेलीकॉप्टर। अब ये फाइनल मोमेंट है एयर शो का। सारंग के बाद ग्लाइडर आएंगे और फिर एयर शो ख़त्म हो जाएगा। अब देख सकते हैं सब लोग बैरिकेडिंग का दायरा तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं और प्रशासन भी अब कुछ नहीं बोल रहा है। कुल मिलाकर बड़ी सख्ती के साथ इन्होंने लोगों को पीछे बिठा के रखा और फाइनली जैसे ही सूर्यग्रहण यहाँ से गया लोग अब आगे की तरफ आ चुके हैं। सारंग हेलीकॉप्टर के बाद लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। तो फाइनली एयर शो बहुत अच्छा रहा। प्रशासन ने बहुत ही अच्छा हर एक चीज़ का अरेंजमेंट करके रखा हुआ था और आप देख सकते हैं चारों तरफ चंडीगढ़ के वासी किस तरह पूरे लेक को लोगों ने भर दिया है और लोगों से पूरी तरह से लेक भर चुका है। तो इस प्रकार एयरफोर्स डे पर एयर शो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा और लोगों ने भरपूर एयरफोर्स शो का आनंद लिया। अब आप देख सकते हैं सामने सारे हेलीकॉप्टर अपने कर्तव्य दिखाता हुआ। As the team prepares for the next maneuver, a word about the maintenance team. Technical team shoulders the onerous responsibility of ensuring that these four birds stick to the skies and return safe. Highly trained airmen who specialize in structures, instrumentation, engine maintenance, and other technical aspects contribute to this most demanding task. On this one, keep looking as the aircraft have drilled in towards each other to your right and left for the next maneuver, level cross. Level
matter will be a matter of astonishment to you all, the rotor diameter. And one such example of four in high speed cross. Diversity is India's distinction. That trickles on to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards our common aim of winning hearts and saving lives. Right in front of you, with love, Sarang Heart. पूर्ण कार्य में इंजीनियरिंग अफसरों के साथ मिलकर इसे अंजाम ना दें। Our team boast of the finest air warriors of the Sri Lanka, and last year the Sarang team became the first to participate and represent our country in March 21 International Air Show held in Moscow. Now look straight ahead as the team is rolling in for the grand finale of today's display, the Sarang Split, on the soul-melting tune of Vande Mataram. As the formation splits, the leader will pull up to present a salute to the nation. We shall listen out for the leader's call. दोस्तों, अब एयर फोर्स का एयर शो लगभग समाप्त हो गया है। अब हम सभी लोग अपने बस की तरफ बढ़ चुके हैं। अब हम सुखना लेक की इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपनी बसों के पास पहुंचेंगे। अब देख सकते हैं कितनी हाइट पर इस समय हम लोग हैं, और नीचे स्टेयर्स के आप देख सकते हैं बोर्ड लिए हुए बस के कंडक्टर खड़े हुए हैं। इसी को आप कह सकते हैं कितना शानदार अरेंजमेंट प्रशासन की तरफ से किया गया है कि सरकारी बस के कंडक्टर सभी लोगों को इंटीमेट करते हुए बताते हुए कि आपकी बस वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है। एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ था, चंडीगढ़ में इस एयर शो को देखने के लिए प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक करवाए भाई सिक्स। जो भी टिकट बुक कर रहा था उसको अकॉर्डिंगली पार्किंग अलॉट हो रही थी, और पार्किंग से लेक तक पहुँचाने के लिए सरकारी बस की सुविधा की गई थी। दोस्तों मुझे भी रेलवे कॉलोनी की पार्किंग अलॉट हुई थी, मैंने भी अपनी गाड़ी वहाँ पार्क की। उसके बाद AL6 बस में बैठकर मैं लेक पहुँचा और अब इसी से वापस जाऊँगा। फाइनली एयर शो ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं बसें किस तरह कतार में लगी हुई हैं, और अब हम अपनी बस में बैठ के सीधा अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में बसेस जो लोगों को चंडीगढ़ के विभिन्न इलाकों से यहाँ तक लेके आई हैं, अब वो अपने प्रॉपर स्थानों पे लग चुकी हैं। अब हम सीधा अपनी बस में बैठेंगे। ये हमारी बस सामने लग चुकी है AL6, और देख सकते हैं लोगों का झुंड बस की ओर आगे बढ़ चुका है। ये बस ही बस चारों तरफ। बहुत बड़ी संख्या में बसें।
अब हम अपनी बस में बैठ चुके हैं और सीधा रेलवे कॉलोनी की पार्किंग में पहुंचेंगे, जहां पर हमारी व्हीकल पार्क किए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह लेह का एयर शो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया। ये सामने बस इसकी लाइन लग चुकी है और लोग बहुत तेजी से लेक से नीचे की ओर उतर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ अब दिखना शुरू हो गई है, क्योंकि एयरफोर्स डे अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और एयर शो लगभग समाप्त होने वाला है। देखिए, पुलिस का बहुत ही ज़्यादा भारी बंदोबस्त किया गया है और सिक्योरिटी का विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी कि किसी भी अप्रिय घटना की कहीं से लेकर कोई भी संभावना नहीं थी। बहुत ही अच्छे से प्रशासन ने एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट किया। अच्छा, आप देख सकते हैं अब लेक की टर्निंग है यहाँ पर और कितना भारी बंदोबस्त पुलिस का देखने के लिए मिल रहा है। और बाप रे, देखिए आप लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लेक की जो फुटपाथ है वहाँ को उसको रस्सी के माध्यम से सेपरेट किया गया है ताकि लोग रोड पर ना आ जाएं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आगे और बढ़ रहे हैं और बसेस का भी काफिला यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ की लगभग सीटीओ की सभी बसेस को लेक पर लोगों को पहुँचाने की सर्विस पर लगाया गया था और इस तरह लेक पर होने वाले इस एयर शो को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाया गया और सच में लोगों के लिए अपने आप में लॉटरी लगने जैसा है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एयर शो देखने का मौका मिला। क्योंकि इससे पहले जितने भी एयर शो होते आए हैं वो सारे के सारे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में होते थे, जहाँ पर आम जनता का जाना संभव नहीं था। लेकिन चंडीगढ़ में लेक पर जो सुखना लेक पर जो एयर शो हुआ है उसमें सभी लोगों को मौका दिया गया। केवल इसका एक तरीका था, आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी थी और बुकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी। केवल 20 रुपीज़ हमें बस का पे करना था जो कि हमें हमारे गंतव्य से उठाएगी, लेक तक लेके जाएगी, लेक से उठाएगी और वापस हमें अपने गंतव्य तक पहुँचाएगी। गंतव्य यानी कि हमारा पार्किंग स्पॉट जो हमें अलॉट हुआ था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एयर शो देखने के लिए आए थे। लेक की जो मेन रोड है उसमें आप दोनों तरफ गाड़ियों की और बस की कतार देख सकते हैं और एक तरफ आप लोगों की कतार देख सकते हैं। लोगों का जाम लग चुका है, इतने लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, जबकि अभी लेक पर से जो एयर शो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये सब बसेस हैं जिनको लोगों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा लगाया गया था और जितने भी अलाइटिंग पॉइंट हैं यानी कि पार्किंग स्थल हैं जो कि टिकट बुकिंग के दौरान अलॉट हुए थे, ये सारी की सारी बसें वहीं पर पहुँचाने के लिए यहाँ पर कतारबद्ध लगी हुई हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको या तो बस दिखाई देंगी या लोग दिखाई देंगे। इतनी बड़ी संख्या में बसेस और लोग यहाँ पर आए थे कि उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास लगभग 900 से 1000 बसें हैं, जिसमें से 500 से 600 बसें इसी कार्य में लगा दी गई थी ताकि चंडीगढ़ के लोग एयर शो के मज़े ले सकें। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों,
सरकारी बसों के साथ साथ आर्मी की बस, नेवी की बस, एयरफोर्स की बस और जितने भी चंडीगढ़ में विभाग हैं लगभग सभी विभागों की बस यहां पर आपको सर्विस करती हुई दिख जाएंगी और अनेकों स्कूल बसों के माध्यम से भी लोगों को यहां पर लाया गया था। तो इस प्रकार इस एयर शो की जो तैयारियां थी वो बहुत ही शानदार तरीके से की गई थी और चारों तरफ आप देख सकते हैं लोग ही लोग, बस ही बस दिखाई दे रही हैं और सिक्योरिटी का भी बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर हर बस को सेपरेट नंबर दिया गया था, जैसे कि हमारी बस के ऊपर AL6 लिखा है, ये जो बस जा रही है इस पे AL5 लिखा है। इन नंबरों के माध्यम से ही हम अपनी बस को पहचान सकते थे और जो भी हमारी बस का नंबर था उन सभी नंबरों की बस में हम बैठकर अपने पार्किंग स्थल तक पहुंच सकते थे। यहाँ आप देख सकते हैं अब लेक से जो दूसरा फाइनल मोड़ है वो आ चुका है और वहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी, किस तरह से एयरफोर्स ने और चंडीगढ़ पुलिस ने मिलकर पूरे के पूरे इंतजाम को संभाल रखा है, आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं। और यहाँ बसों की कतार दोबारा से देख सकते हैं जो लोगों को गंतव्य तक छोड़कर एक बार आ चुकी हैं और दोबारा से लोगों को लेने के लिए जा रही हैं। तो इस प्रकार बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया था। अब हम सीधा आपको अपने पार्किंग स्थल से वीडियो दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं हम अपने पार्किंग स्थल पर आ चुके हैं और ये बसेस हम सभी लोगों को छोड़कर वापस लेक की तरफ मुड़ चुकी हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में टू व्हीलर, फोर व्हीलर खड़े हुए हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे थे और अब अपने घर तक जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों जो एयरफोर्स डे था वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा और हमने बहुत ही अच्छे से इसको एंजॉय किया। दोस्तों फाइनली अब हम अपने पार्किंग स्थल पर पहुंच चुके हैं और पीछे आप बस देख सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने पार्किंग स्थल पर पहुंचे हैं और अब हम यहां से सीधा अपने घर की ओर मूव करेंगे।